नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उत्कर्ष उपाध्याय और आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस लाइव सेशन में। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काशिफ राजा जी हैं, आकांक्षा पाल हैं, अवनीश कुमार शुक्ला जी हैं, प्रिंस कुमार हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आकाश कुमार जी हैं, तो फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। ठीक है, अपने अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में हम टमाटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टोमेटो पूरा आज हम लोग पढ़ेंगे। आज देखते हैं टोमेटो, तो जल्दी जल्दी। राधे कृष्ण जी हैं, काशिफ रजा हैं, एग्रीकल्चर लवर हैं, स्वाति गंगवार जी हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइव आ जाइए। देखते हैं आज का क्लास। आते हैं अपने सबसे पहले स्लाइड पर। प्रांशु सिंह जी हैं, अदिति सिंह हैं, अभिषेक यादव हैं, सभी लोग जुड़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, बॉटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो इज, टमाटर का वानस्पतिक नेम क्या है। ठीक है, टमाटर का वानस्पतिक नेम क्या है। अच्छा, तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चूंकि टमाटर से शुरुआत करें तो बेसिक से लेकर ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, बेसिक से ऊपर तक जाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला है कि टमाटर का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम किसका होता है। अगर हम बात कर ले सोलेनम ट्यूबरोसम की, तो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है आलू का। किसका होता है, पोटैटो का होता है साथियों, आलू का होता है ये। ठीक है, उसके बाद लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम किसका होता है, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। तो लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है टोमेटो का। किसका होता है, टमाटर का होता है साथियों। ठीक है, अच्छा सोलेनम मेलनजेना किसका होता है, सोलेनम मेलनजेना की अगर हम बात करें तो सोलेनम मेलनजेना किसका होता है। ठीक है, आप लोग बी, आप लोगों का आंसर आ चुका है बी, विजय एग्रीकल्चर है, आंशु गुप्ता है, अवनीश शुक्ल, दीपांशु तिवारी, अजीत सिंह, रविंदर कुमार, अदिति, अनुराग, चलिए बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं आप लोग। तो सोलेनम मेलनजेना किसका होता है, तो ये होता है बैगन का। ठीक है, एग प्लांट बोलते हैं। ठीक है, एग प्लांट, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं। ठीक है, ब्रिंजल, या फिर यूबरजीन। ठीक है, यूबरजीन। ओके, ये सभी किसके नाम है, टमाटर बैगन के। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, एबलमोस्कस स्कुलेंटस। तो एबलमोस्कस स्कुलेंटस किसका है। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए किसका वैज्ञानिक नेम है, तो ये जो एबलमोस्कस स्कुलेंटस जो होता है भिंडी का होता है। किसका होता है, ओकरा का होता है। ओकरा को क्या बोलते हैं, और लेडी फिंगर बोलते हैं साथियों, लेडी फिंगर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको, भिंडी बोलते हैं, हिंदी में भिंडी बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। जल्दी से एक बार आप लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों से निवेदन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सरपंच का पड़ोसी, चटक मटक के पाए लागूं गुरुजी। चलो भैया खुश रहो, अपना नाम भी लिख दो, सरपंच के पड़ोसी महोदय। गरिमा ने बताया एफ बी। ठीक है, आकाश कुमार है, चलो ठीक है, बिल्कुल सभी लोग सही बताए हो। ठीक है, तो ये सब बेसिक जानकारी है। ठीक है, टोमेटो की क्या है, बेसिक जानकारी है। टोमेटो का ओरिजिन कहाँ है, अगर बात कर ले टोमेटो का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ओरिजिन की बात कर लिया जाए, उत्पत्ति स्थान की बात कर लिया जाए, तो टमाटर का जो उत्पत्ति स्थान है पेरू है। ठीक है, पेरू है। कहां पे है टमाटर का उत्पत्ति स्थान, पेरू है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है इसके आगे। ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, आकांक्षा पाल ने लिखा है सर शेयर कर दिए। जितेंद्र राणा लिख रहे हैं, प्रणाम गुरुजी, सरपंच की तरफ से ना, मेरी तरफ से प्रणाम गुरुजी। चलिए ठीक है भैया, खुश रहिए आप लोग। बिल्कुल, देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया। कह रहा है कि फ्रूट टाइप ऑफ टोमेटो इज, टमाटर का, ठीक है, जो टमाटर का फ्रूट टाइप है वो क्या है, क्या बोलते हैं। ठीक है, टमाटर के जो फल का प्रकार है वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, चार चीजें दिया हुआ है, ड्रुप है, सोरोसिस है, नट है और बेरी है। ठीक है, ड्रुप है, सोरोसिस है, नट है और बेरी है। आप लोग कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए भाई फटाफट, देख रहा हूं मैं सभी कमेंट देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जितेंद्र राणा लिखे हैं, गुरु जी ओम नमो नारायणाय, काफी लोगों का बी आ रहा है। और कोई भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ड्रुप किसका होता है बताइए भैया। तो देखिए, ड्रुप जो होता है ना, मैंगो का, बेर का, कोकोनट का, ठीक है, और जामुन का भी होता है, जामुन का भी होता है। ये सब क्या है, ड्रुप।
ड्रुप किसका होता है, ठीक है, ड्रुप किसका होता है, मैंगो है, बेर है, कोकोनट है, जामुन है, और क्या है, कॉफी है, ये सभी किसका है, ये सभी ड्रुप है, ठीक है, ये सभी क्या है, ड्रुप है। अच्छा इनके वैज्ञानिक नेम इसका क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। बेर का क्या होता है, जिजिफस मॉरिटियाना, ओके। उसके बाद से क्या है, कोकोनट है, कोकोनट के वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, कोकोनट है, ठीक है। तो कोकोनट का देखते हैं, कोकस न्यूसीफेरा और क्या है, जामुन का क्या होता है, सीजियम क्यूमिनी। कॉफी का क्या होता है, कॉफिया रोबस्टा, ठीक है, कॉफिया रोबस्टा। तो ये सभी किसमें हैं, ये सभी आते हैं ड्रुप में, ठीक है। ड्रुप को और क्या लिखा हुआ मिल जाता है, स्टोन भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो देखिए इससे एक बात तो क्लियर हो गया, इसमें टमाटर का मैं कहीं नाम नहीं लिखा हूं, और भी बहुत सारे होंगे, बट सबसे जो जो है दिमाग में मैं आपको बता दूं, आलमंड भी इसी में आता है वैसे, ठीक है। तो ड्रुप तो नहीं है, देखते हैं सोरोसिस का, ठीक है, सोरोसिस का देख लेते हैं कि सोरोसिस किसका है, ठीक है, सोरोसिस किसका है, ओके। तो सोरोसिस की जब हम बात करेंगे तो सोरोसिस किसका है, पाइनएप्पल का है, ओके। सोरोसिस किसका है, एग्रीकल्चर आकाश कुमार ने कमेंट किया है, बेर का कुल राम नहीं ऐसी होता है, क्या लिखे भाई, दीपांशु तिवारी, बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर कब से है गुरुजी, ठीक है, बेरी किसी ने लिखा है, चलिए भाई। तो पाइनएप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या है, अनानास कोमोसस, ठीक है। और देखते हैं नट किसका होता है भाई, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, 50 लोग जुड़ गए हैं, और ज्यादा लोग जुड़िए फटाफट, ठीक है, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। अब बताइए भाई फटाफट, नट किसका होता है, बताइए। तो जब भी नट की बात करेंगे तो नट होता है लीची का, और किसका है, लीची के अलावा काजू का, कैसेओ का। तो लीची को और क्या बोलते हैं, लीची चाइनेंसिस, ठीक है, लीची चाइनेंसिस, ओके। अच्छा काजू को क्या बोलते हैं, काजू की बात आएगी तो क्या बोलेंगे, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल, ठीक है, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल बोलते हैं, ठीक है। ये काजू का वैज्ञानिक नेम है। तो ये क्या हो गया, ये नट के बारे में हो गया। अब बचा बेरी, ठीक है, इसमें भी मैंने टमाटर का जिक्र नहीं किया है, अब आया बेरी, अब जरा बेरी का देख लेते हैं, बेरी में क्या क्या आता है। तो लो भाई टमाटर पढ़ रहे हो, सबसे पहले बेरी में हम टमाटर को ही लिख देते हैं, टोमेटो, और आगे बनाना और ग्रेप्स, ठीक है, टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, ग्वावा हो गया, ये सभी क्या है, पपाया और क्या है, ग्वावा, ये सभी क्या हो गया, ये सभी बेरी है। तो ये इसका क्या हो गया, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, पहले ही बताया, इसका क्या है, मूसा पैराडिसियाका, डीसियाका, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नेम है। ग्रेप्स का क्या है, वाइटिस विनिफेरा। पपाया का क्या है, कैरिका पपाया। और गुआवा का क्या होता है, सीडियम गुआजावा, ठीक है। तो ये इतनी चीजें, ठीक है, ये आपको इतनी चीजें इसी के साथ क्लियर हो गई, ये कहीं क्वेश्चन में, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फ्रूट टाइप टोमेटो का क्या है, बेरी है, ठीक है। अबोध आनंद लिखे हैं, राणा टिग्रीना, ये क्या चैट कर रहे हो भाई, राणा टिग्रीना कौन है भाई, अपना नाम लिखिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है अपने पास। देखिए बेहतरीन सवाल है आपके सामने,
कह रहा है कि टमाटर में जो लाल रंग होता है ना वो किसके वजह से होता है, टमाटर के लाल रंग के बारे में पूछ रहा है कि किसके वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, तो टमाटर का लाल रंग इसमें से किसके वजह से होता है भाई, लाइकोपीन के वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, अच्छा ये कैप्सिएंथिन के वजह से क्या होता है, जब भी हम कैप्सिएंथिन की बात करेंगे तो कैप्सिएंथिन जो होता है ना मिर्चा जो है चिली, चिली के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा अगर हम एंथेजाइनिन की बात कर लें, एंथेजाइनिन की बात कर ले तो उसका किसके लिए है बताइए भैया, बताइए। चलिए बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, तो जो एप्पल होता है ना सेब, एप्पल में लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एप्पल में लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंथेजाइनिन है। और वही अगर मैं पूछ लूं कि गाजर में लाल रंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गाजर में कमेंट करिए जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, गाजर में लाल रंग ये ध्यान दीजिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है कि गाजर में लाल रंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा कैरोटीन किसके लिए है, कैरोटीन किसके लिए है भाई। ठीक है जी बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी सही बता रहे हैं साथी। अब ये कैरोटीन है तो कैरोटीन जो है ना कैरेट में गाजर में जो उसका ऑरेंज कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, गाजर में ऑरेंज कलर के लिए, इसका वैज्ञानिक नेम क्या है, इसका वैज्ञानिक नेम है डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा होता है। क्या होता है साथियों, डॉकस कैरोटा होता है। ठीक है, देखिए जिन लोगों ने कैरोटीन लिखा है गाजर में लाल रंग के लिए, तो गाजर में लाल रंग के लिए कैरोटीन नहीं एंथोसाइनिन होता है, ये ध्यान रखिएगा एंथोसाइनिन होता है, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है, जब भी लाल रंग की बात करेगा तो एंथोसाइनिन आएगा और जब भी नारंगी की बात कर रहा है तो कैरोटीन तो दिया ही हुआ है आपके सामने। देखिए कुछ लिख भी दिया है कि पपाया में जो येलो रंग होता है, पपीते का जो रंग होता है पीला वो कैरिकाजेंथिन के वजह से होता है। सेब में जो है लाल रंग जो होता है वो किसके वजह से होता है, एंथोसाइनिन के वजह से होता है। वही टमाटर के लाल रंग की बात कर ले तो लाइकोपीन आ जाता है, कौन आ जाता है, लाइकोपीन आ जाता है। गरिमा पटेल कानपुर, कौशल कुमार, अजीत सिंह, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, 50 लोग जुड़ गए हैं, कम से कम 80 पार कराइए आप लोग सेशन को। ठीक है, थोड़ी एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। उसके बाद से क्या है, जो मिर्च है मिर्च में लाल रंग होता है कैप्सिएंथिन के कारण। ठीक है, कैप्सी अच्छे मिर्च में जो चरपराहट होती है, चिली में जो चरपराहट होती है वो किसके वजह से होती है बताइए भाई आप लोग, चरपराहट किसके वजह से होती है, कोई बताए हमें फटाफट। तो मिर्च में अगर चरपराहट की बात करेंगे तो कैप्सेसिन की वजह से होती है, चिली की जो चरपराहट है, चरपराहट जो है वो कैप्सेसिन की वजह से होती है। वही जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, काली मिर्च की बात कर लें। ठीक है, वही अगर हम बात कर लें काली मिर्च की भाई, ये कैरोटीन नहीं होता है अजीत सिंह, प्याज में जो रंग होता है वो क्वसर्टीन के वजह से होता है, लिख लीजिए भैया क्वसर्टीन, गलत नहीं लिखिएगा, प्याज का जो रंग है वो क्वसर्टीन के वजह से होता है। ठीक है, हल्दी का है वो किसके वजह से है, कुरकुमीन के वजह से है, लिख लीजिए, लिख दे रहा हूं, कुरकुमीन के वजह से है। ठीक है, बाकी चिली में पंजेंसी चरपराहट जो है कैप्सेसिन के वजह से लिखी दिया हूं, ऑरेंज कलर गाजर में जो है नारंगी कलर वो कैरोटीन के वजह से है। ठीक है, उसके बाद से जो लाल कलर है गाजर में एंथोसाइनिन के वजह से है बताया ही हूं, हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के वजह से है, करेले में जो चरपराहट होती है वो मेमोडिओक्साइट के वजह से है। ठीक है, किसके वजह से है, मेमोडिओक्साइट के वजह से है। ठीक है, किसके वजह से है, मेमोडिकोसाइट के वजह से है, किसमें, बिटरनेस जो है बिटर गार्ड में। ठीक है, बिटर गार्ड मतलब क्या, करेला, किसकी बात कर रहे हैं, ये करेला है, ये करेले की बात कर रहे हैं साथियों, करेले का जब भी जिक्र आएगा ये याद रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, लिया जाएगा भाई अजीत जी, उसका भी लिया जाएगा, अभी फिलहाल ये चल रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। और क्या है देखिए भाई, कुकुम्बर में जो चरपराहट है या जो बिटरनेस है वो किसके वजह से है, कुकुरबिटासीन के वजह से है। ठीक है, ओनियन में देखिए भाई आ गया, अजीत जी आपने पूछा था, देखिए प्याज में आ गया, प्याज में जो पीलापन है वो कोसर्टीन के वजह से है। समझ गए आप लोग, बढ़ते हैं और आगे, एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, आप लोगों के लिए देखिए क्रैश कोर्स आप लोगों का शुरू हो रहा है 10 मार्च से फिर से। ठीक है, 10 मार्च से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग बुला सकते हैं अपने मित्रों को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिड टमाटर का सीड रेट कितना है, बीज दर कितना है। जब भी हम हाइब्रिड टमाटर की बात करेंगे तो भाई बीज दर क्या होगा। ठीक है, बताइए भाई, कमेंट करिए, मैं आप लोग का कमेंट देख रहा हूं। अच्छा, तब तक एक चीज बता दीजिए, एक चीज तब तक फटाफट बता दीजिए कि मसालों की रानी कौन है, मसालों की रानी कौन है, क्वीन ऑफ स्पाइसेज, मसालों की रानी। ठीक है, क्वीन ऑफ स्पाइसेज, मसालों की रानी कौन है भाई, फटाफट बताइए। साहब अली जी भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, बिल्कुल पहचान रहे हैं साहब जी आपको। ठीक है, तो देखिए सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो, हाइब्रिड टोमेटो का संकर जो टोमेटो की प्रजाति है उसका सीड रेट, देखिए सभी लोग गड़बड़ लिख दिए, ए वाले बिल्कुल सही हैं। देखिए अगर नॉर्मल पूछ लेगा, इस बात को ध्यान रखिए, तो ये जो नॉर्मल सीड रेट है, नॉर्मल अगर पूछ ले, संकर प्रजाति ना हो, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल का सीड रेट है। ठीक है, और जो लोग 100 से 150 ग्राम बता रहे हैं वो सही है, ये संकर प्रजाति का है, ये किसका है, ये हाइब्रिड का है, हाइब्रिड का बोले तो संकर प्रजाति। ठीक है, संकर प्रजाति का है, संकर प्रजाति का 100 से 150 ग्राम, और सवाल हमारा यही था, इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन को रखा था। ए वाले तो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है, ए वाले बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, संख्या को और बढ़ाइए, आप लोग संख्या कॉन्स्टेंट हो गई है, थोड़ा और बढ़ाइए। ठीक है, अच्छे बताइए क्वीन ऑफ बीवरेजेस कौन सी है। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, कार्डेमोम है, इलायची है। ठीक है, क्वीन ऑफ बीवरेजेस कौन है, क्वीन ऑफ बीवरेजेस कौन है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल पूछे हैं कि क्वीन ऑफ बीवरेजेस कौन है, क्वीन ऑफ बीवरेजेस कौन है, ठीक है, किसे बोलते हैं, पेय पदार्थों का रानी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि केमिकल यूज्ड फॉर टोमेटो सॉस प्रिजर्वेशन इज, टमाटर सॉस के संरक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन है। ठीक है, जब भी टोमेटो सॉस की बात करेंगे तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं उसके प्रिजर्वेशन के लिए, टी बताया है प्रशांत श्रीवास्तवा जी ने, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, टी होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉटनिकल नेम इसका क्या है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नेम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। समझ गए आप लोग, कुछ लोग सोडियम बेंजोएट बता रहे हैं, कुछ लोग, अच्छा सभी सोडियम बेंजोएट बता रहे हैं, केएमएस कोई नहीं बता रहा है, इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, क्या बोलते हैं, मेटाबाइसल्फाइट, सल्फाइट। ठीक है, चलिए भाई बताइए फटाफट, देखिए इसमें जो प्रिजर्वेशन का काम करता है, इसमें कौन रोल करता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसमें बेंजोइक एसिड का रोल होता है, बेंजोइक एसिड, और उसमें कौन करता है, इसमें SO2 का रोल होता है, यही प्रिजर्वेशन का काम करता है। ठीक है, कोई सी बता रहा है भाई, कोई लोग सी भी बता रहे हैं, देखिए मैं बता दूं, प्रिजर्वेशन के लिए तो दोनों ही यूज किया जाता है, KMS भी यूज किया जाता है और सोडियम बेंजोएट भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जब भी कलरलेस फ्रूट होगा, ठीक है, रंगहीन होगा, ठीक है, रंगविहीन कोई फ्रूट होगा, रंगहीन कोई फ्रूट होगा, लिख दे रहा हूं यहां पर, रंगहीन के केस में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब भी रंग होगा उसमें, रंगीन होगा, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है बेंजोइक एसिड के थ्रू
क्या करता है, प्रोटेक्शन का, प्रिवेंशन का काम करता है। समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल प्रशांत श्रीवास्तवा, पटेल कानपुर, संतोष पाल, बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं हमारा अगला सवाल देख लेते हैं आज का अगला सवाल क्या है। ठीक है, कह रहा है कि टमाटर की सूत्र कृमि प्रतिरोध वैरायटी कौन सी है। ठीक है, निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी की बात कर रहा है। ठीक है, निमेटोड रेजिस्टेंट किस्म की बात कर रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पूसा 120, दूसरा आपके पास ऑप्शन जो है वो है क्या है, हिसार ललित है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है एसएल 120, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आल। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए भैया, जल्दी जल्दी। ठीक है, कुछ एक वैरायटी में लिख दे रहा हूं और तब तक आप लोग कमेंट करिए। पूसा रूबी भी टमाटर की ही वैरायटी है, पूसा गौरव भी टमाटर की ही वैरायटी है। ठीक है, गौरव, पूसा गौरव जो है टमाटर की, अच्छा टमाटर से ही एक याद आया, ठीक है टमाटर में गौरव से याद आया। ठीक है, गौरव से एक और वैरायटी है भैरव, ठीक है गौरव से याद आया, भैरव का पूसा भैरव का नाम याद आ रहा है हमको। कोई बताएगा क्या कि पूसा भैरव किसकी वैरायटी है? चलिए भाई आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सी 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 ऑल सब कुछ कमेंट में आ रहा है। ठीक है, सब कुछ आपके कमेंट में आ रहा है, मैं देख रहा हूं, कोई सी भी लिख रहा है, कोई ऑल भी लिख रहा है, ए भी तो कोई नहीं लिख रहा है। कौशल जी हैं, शिवा सिंह है, ठीक है अमित जी हैं, बिल्कुल सभी लोगों ने लिखा है सी डी। चलिए भाई मैं बता दूं सबसे पहले आपको, ये भी इसको भी बताइएगा, पूसा भैरव किसकी वैरायटी है? पूसा भैरव, गौरव से याद आ गया है तो मैं लिख दिया, अच्छी वैरायटी है। ठीक है, तो देखिए पूसा रूबी भी टमाटर की ही है, पूसा गौरव भी टमाटर का ही है, पंजाब चुहारा भी इसी का है, पंजाब चुहारा, चुहारा ठीक है प्रोसेसिंग के लिए है, और क्या है पंजाब चुहारा के अलावा। फ्लावर सार जो है, फ्लावर सार जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के मदद से डेवलप की गई है, फ्लावर सार जो वैरायटी है वो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। प्रशांत श्रीवास्तवा जी ने लिखा है ब्रिंजल, जी बिल्कुल सही लिखा है प्रशांत श्रीवास्तवा ने, ये बैगन की वैरायटी है और फोमोप्सिस ब्लाइट, ठीक है फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है, क्या है प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए। किसकी वैरायटी है ये बैगन की है, ब्रिंजल की। पूसा भैरो जो है वो ब्रिंजल की है, बिल्कुल। पूसा रोबी, पूसा गौरव, पंजाब चुहारा और फ्लावर सार, ये सब क्या है, ये सभी टमाटर के हैं। ठीक है, ये सभी किसके हैं टमाटर के हैं, अर्का विकास, हिसार ललित, ये सभी क्या है, ये सभी। तो पूसा 120, हिसार ललित, एसएल 120, ये तीनों जो है ना निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है बच्चों, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसीलिए ऑल जितने भी हमारे मित्र बता रहे थे वो सभी सही हैं। ठीक है, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। रविंद्र कुमार जी ने लिखा है सर रावे प्रोग्राम से अभी फ्री नहीं हुए हैं, मार्च से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, प्रयास करिए जितना जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा समय देंगे उतना बढ़िया रहेगा। बिल्कुल आपका स्वागत है रविंद्र जी, थोड़ी एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है बिल्कुल, आप जो भी ब्रिंजल की वैरायटी और बता रहे हैं कोई बात नहीं, फिलहाल मैं बस मिलता जुलता था तो बता दिया, टमाटर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, टमाटर की वैरायटी और याद हो तो लिख सकते हैं, रोमा है, पार्कर है, ये सारी सही है। ठीक है, आकाश कुमार जी, कल्पना कीर्ति है, इन्होंने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी आप समझ गए, बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी। तो पंजाब चुहारा किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, रोमा और पार्कर ये भी टमाटर की ही वैरायटी है, याद रखिएगा भैया, रोमा है और क्या है, पार्कर है। चलिए तो बढ़ते हैं और आगे, सारी लगभग लगभग जो जो भी इंपॉर्टेंट किस्में थी वो सभी क्लियर हो गई। ठीक है, रोमा जो है ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग के लिए है। ठीक है, कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि बेर ऑफ टोमेटो कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए भाई बताइए बीईआर क्या है इसका मतलब, समझ रहे हैं, पहले तो ये लिख दे रहा हूं मैं, ब्लॉसम एंड रॉट, किसकी कमी के वजह से होता है बेर,
चलिए भाई जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, लाइक वाला बटन दबा दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिए। चलिए भाई लाइक कर दीजिए भाई, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तेलवीर सिंह अतरौली, तेजवीर सिंह है अतरौली। ठीक है, किसी ने सी लिखा है, कोई सीए लिख रहा है, कोई कॉपर लिख रहा है। चलिए भाई हम क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, कोई भी हम सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, इसमें किसी को भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल कोई भी परेशान नहीं होइए, ठीक है, कोई भी परेशान ना हो साथी। चलिए अब हम बता देते हैं, आदर्श सिंह जी हैं, तेजवीर सिंह है, जितने साथी नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो ब्लास्टम एंड राट होता है ना, कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है, कैल्शियम के कमी से होता है। बोरान की कमी से क्या क्या होता है जरा लिखते हैं, बोरान की कमी से सब लिख ही लीजिए, एक दो हो तो मैं लिख दूं, बोल दूं ऐसे, चार पांच कम से कम लिख लीजिए। बोरान की कमी से होने वाला, ठीक है, एप्पल में फ्रूट क्रैकिंग होता है, ठीक है, आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस होता है। क्या है, एप्पल में फ्रूट क्रैकिंग है, फ्रूट क्रैकिंग, और क्या है, आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस है, इंटरनल नेक्रोसिस है, किसमें, आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस इन आंवला। ठीक है, एप्पल में फ्रूट क्रैकिंग हो गया, आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस हो गया, हेन एंड चिकन डिजीज हो गया ग्रिप्स का, किसका भैया, ग्रिप्स का, हेन एंड चिकन डिजीज। आदर्श सिंह है, अनुराग है, अजीत सिंह ने लिखा है फल फट गया जी, बिल्कुल पटेल कानपुर आम में नेक्रोसिस जी, बिल्कुल मैं एक एक बता रहा हूं, सभी बता रहा हूं। चलिए भाई आम में आपने बताया, मैं सबसे पहले आम ही लिखवा दे रहा हूं, नेक्रोसिस या ब्लैक टिप लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, इन्होंने आम कह दिया तो पहले आम ही लिख लीजिए, नेक्रोसिस या फिर ब्लैक टिप इन मैंगो। ठीक है, ब्लैक टिप ये भी लिख लीजिए, और आगे लिखते हैं भैया, हेन एंड चिकन डिजीज ग्रिप्स में, ठीक है, हेन एंड चिकन डिजीज इसमें ग्रेप्स में, चिकन डिजीज होती है किसमें होती है, ग्रेप्स में होती है, अंगूर में होती है साथियों। ठीक है, अच्छा आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, यहाँ कोई कमेंट करे आंवला लिख दिया, बाकी तो सब बताते ही चल रहा हूं। आंवला का वैज्ञानिक नाम पता है तो बताइए, वरना मैं तो हूं ही बताने के लिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हॉलो हर्ट जो होता है ना, हॉलो हर्ट सर, यूपी कैटेड बीएचयू आईसीआर के लिए तैयारी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जी, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, किंग ऑफ हार्डवर्क, और बिल्कुल जितने भी साथी आना चाहते हैं आ सकते हैं। ठीक है, हॉलो हर्ट या हर्ट रॉट होता है सुगर बीट में, ठीक है, सुगर बीट में हॉलो हर्ट होता है, ध्यान रखिएगा, हॉलो हर्ट, हॉलो हर्ट होता है सुगर बीट में, सुगर बीट। ओके, ये सभी क्या है, ये सभी बोरान के वजह से होने वाले रोग हैं। ठीक है, बोरान की कमी से होने वाले सभी रोग हैं, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस प्रशांत ने लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जो होता है ना, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, यही है आंवला का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आंवला का वैज्ञानिक नेम यही है। ठीक है, क्या है, आंवला का। अब आते हैं कॉपर, कॉपर आप लोग रट रहे थे भैया, तो कॉपर से भी देख लेते हैं क्या होता है, तो गमोसिस इन सिट्रस। ठीक है, सिट्रस में गमोसिस होता है, क्या होता है भैया, गमोसिस इन सिट्रस, नींबू वर्गीय जो कुल है नींबू में, गमोसिस इन सिट्रस, सिट्रस में गमोसिस होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद से क्या है, मॉलीबेडनम, बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर जगह पूछ लेता है। ठीक है, तो जो काली फ्लावर का विपटेल होता है, विपटेल जी, बिल्कुल एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, बिल्कुल सही है आप लोग, सर्वेश कुमार मिश्रा है जी, बिल्कुल। जितने भी साथी हमारे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मॉलीबेडनम के कमी से क्या होता है, विपटेल होता है, विपटेल किसका होता है, काली फ्लावर का। ठीक है, काली फ्लावर, काली फ्लावर का विपटेल होता है। और अब बचा आपका एमएन, एमएन से क्या होता है, मैगनीज से, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, मैगनीज से क्या होता है,
मैगनीज से क्या होता है भाई बताइए, एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को आप लोग, ठीक है ओके, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग सभी लोग। चलिए भाई जल्दी जल्दी, सर्वेश जी हैं, अबोध आनंद हैं, चलिए ठीक है। अच्छा बटनिंग बताइए भाई कॉलीफ्लावर की किससे होती है, ठीक है। राजकुमार जी आप फोन कर सकते हैं, यूजी के लिए पूछ रहे हैं या पीजी के लिए, राजकुमार जी यूजी के लिए या पीजी के लिए। अब देखिए एमएन के वजह से क्या होता है भाई, फटाफट कमेंट करिए आप लोग, मैगनीज के वजह से, ठीक है। तो मैगनीज के वजह से होता है ग्रे स्पाइक ऑफ ओट, ग्रे स्पाइक ऑफ ओट, ठीक है। या फिर पहाला ब्लाइट भी होता है, पहाला ब्लाइट भी होता है ओके। ये किसके वजह से होता है, मैगनीज की वजह से। अच्छा बटनिंग किसके वजह से होता है काली फ्लावर में, काली फ्लावर में बटनिंग बोरान की कमी से नहीं होता है। राजकुमार जी आप फोन कर लीजिए, आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। 97-93-900-800 ठीक है, उस पर मिला लीजिए आप 97-93-900-888 पर। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा है, बटनिंग नाइट्रोजन डिफिशियंसी से है, ठीक है। टेक्निकल एग्रीकल्चर ने लिखा पहला ब्लाइट, जी बिल्कुल सुगर केन का जी, अच्छे मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ बिल्कुल सुगर केन का जो सैकरम ऑफिसिनेरम का जो पहला ब्लाइट है ये भी इसी एमएन के डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। बटनिंग किसके वजह से होता है, बटनिंग इन काली फ्लावर में तो नाइट्रोजन के डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। थैरा रोग किसके वजह से होता है वो भी लिख लीजिए, या फिर व्हाइट बड किसके वजह से होता है, व्हाइट बड या फिर खैरा रोग, व्हाइट बड और खैरा रोग ये दोनों जो होते हैं जिंक के डिफिशियंसी से होते हैं, दोनों जिंक के डिफिशियंसी से होते हैं, ठीक है। आयरन में ब्राउनिंग जो होता है, राइस में धान में जो ब्राउनिंग होता है वो भी आयरन के वजह से होता है, ब्राउनिंग होता है धान में। लीजिए भाई लगे हाथ जब आ रहा है तो लिख लीजिए, ब्राउनिंग धान में होता है, ठीक है। आयरन के डिफिशियंसी से होता है, किसके वजह से, लोहे की कमी से। और क्या है भाई, H2S के टॉक्सिसिटी से होता है अकियोची रोग, क्या होता है अकियोची रोग होता है, H2S के टॉक्सिसिटी से होता है, ठीक है। एक ही साथ सब कुछ लिख दिया है मैंने आप लोगों के लिए, H2S की टॉक्सिसिटी से क्या होता है अकियोची रोग होता है, अकियोची रोग होता है, अकियोची डिजीज, ठीक है। सारी मोटी मोटी जो भी डिफिशियंसी है लगभग लगभग आप लोग को बहुत कुछ बता दिया हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक है बिल्कुल। वायल नैने साहब ने पंतनगर में ढूंढा था आकाश कुमार जी, ठीक है, इसी जिंक की जो डिफिशियंसी से होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल अपना क्या है, ठीक है, समझ में आ गया, एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए। चलिए भाई 55 प्लस हो चुके हैं, 60 हमारा टारगेट है, 60 हमारा टारगेट है पहुंचना, आप लोग पहुंचाइए, 60 है हमारा टारगेट पहुंचना, ठीक है। टमाटर की सारी बेसिक बेसिक बातें हो चुकी हैं, फ्रूट क्रैकिंग बता ही दिया, टमाटर में फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, बेर है फ्रूट क्रैकिंग है, ठीक है। BER जो बताया था मैं टमाटर में वो किसकी वजह से था, कैल्शियम के डिफिशियंसी से था, ठीक है। ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, उपापचयी रोग है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और क्या है भाई आपका, फ्रूट क्रैकिंग है बोरान के वजह से, फ्रूट क्रैकिंग जो है फल का फटना, किसी ने अभी कमेंट किया था किसके वजह से, बोरान के वजह से, अभी किसी ने कमेंट किया था भाई बताइए। आकाश कुमार हैं, पटेल हैं, ट्रेवल लवर राधे कृष्ण जी भी हैं, ठीक है। अच्छा पफिनेस क्या होता है बताइए भाई, पफिनेस और सन स्कॉल्ड, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, उपापचयी जो है, ठीक है। अकियोची रोग किस फसल में होता है पूछ रहे हैं रविंद्र जी, भैया धान में मैं बताया था बाबू थोड़ी देर पहले, अकियोची जो होता है ना धान में होता है, थोड़ी देर पहले ही बाबू बताया हूं आपको, ठीक है, किसमें होता है धान में, और धान में ही ब्राउनिंग भी बताया कमी से लोहे की, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, बेर बताया फ्रूट क्रैकिंग, इसकी कुछ मैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बता रहा था, और हाँ और लिख लीजिए आप पफिनेस लिख लीजिए, पफिनेस है पुअर पॉलिनेशन के वजह से होता है, ठीक है। सन स्कॉल्ड है, ये लिख लीजिए पुअर पॉलिनेशन, खराब परागकण के वजह से होता है, पुअर पॉलिनेशन के वजह से होता है। और क्या है, ये तो हो गया, और क्या बता रहा था, सन स्कॉल्ड बता रहा था मैं आप लोगों को,
सूर्य जब टेम्परेचर ज्यादा पहुंच जाता है, ठीक है, सूर्य की गर्मी ज्यादा लग जाती है, टेम्परेचर ज्यादा पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाता है। रीना पाल जी व्हाइट फ्लाई कहां ला दी भिंडी में, अभी भिंडी नहीं पढ़ा रहे, व्हाइट फ्लाई का जिक्र आएगा, वायरस को जो ट्रांसमिट करती है, ठीक है, आएगा वो भी जब भिंडी पढ़ाएंगे। तो सन इज कॉल्ड जो है, जब भी तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है। और एक और इसका डिसऑर्डर है, वो है कैट फेस, ठीक है, कैट फेस। तो ये इसके डिसऑर्डर हो गए सारे, ठीक है। तो टमाटर का अब देखिए, टमाटर के जो प्रमुख पेस्ट हैं, कौन कौन से उसके कीट हैं, प्रमुख कीट का जरा जिक्र कर लिया जाए, प्रमुख कीटों का जिक्र कर लिया जाए, ठीक है। सबसे प्रमुख कीट कौन सा है, ए, ठीक है, आपका अपना चैनल ने कमेंट किया है ए, टेक्निकल एग्रीकल्चर ए, राम बाबू जी हैं, गुड इवनिंग बाबू आपको, ठीक है, वन, चलिए बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, ए वाले बिल्कुल सही है। फ्रूट बोरर जो होता है ना, यही जो होता है फ्रूट बोरर, यही टमाटर का क्या है, फ्रूट बोरर जो है ये टमाटर का मेजर पेस्ट है, ठीक है, मेजर पेस्ट की बात की गई है यहां पर, ध्यान यही रखना है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, फ्रूट बोरर का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा, हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा, आर्मी जेरा, हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा, ठीक है, टमाटर का प्रमुख कीट है, ठीक है। फल छेदक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फल छेदक बोलते हैं, ठीक है, भारतीय एग्रीकल्चर एकेडमी कन्नौज, फल छेदक बोलते हैं इसको। व्हाइट फ्लाई जो होती है ना, वायरस के ट्रांसमिशन का काम करती है। बेमेसिया टबैकी जो होती है, लीफ कर्ल को ट्रांसफर करती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बेमेसिया टबैकी, बेमेसिया टबैकी जो होती है वो लीफ कर्ल को ट्रांसमिट करती है, किसको, लीफ कर्ल को। और इसके बाद है आपके सामने टर्पेंटाइन लीफ माइनर। सर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए प्लीज एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट कीजिए, प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी, एक हमारा एग्रीकल्चर का नया चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, ठीक है, एग्रीकल्चर का एक चैनल बन गया, उस पर क्लास चलेगी उसके लिए, ठीक है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, ठीक है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, सॉरी तिवारी एग्री कोचिंग कानपुर है, मैं एक सेकंड में उसको शेयर कर दे रहा हूँ, एक सेकंड बस आप हमें समय दीजिए, मैं लगे हाथ उस चैनल का लिंक आपके पास शेयर कर दे रहा हूँ, नहीं कमेंट में मैं शेयर कर देता हूँ। जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, मैं एक लिंक शेयर किया हूं यूट्यूब का, इस चैनल पर जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लें, जिनको भी एमएससी के लिए या यूपी कैटेट बीएचयू के लिए, एमएससी के लिए, ठीक है, बीएचयू एमएससी के लिए, यूपी कैटेट एमएससी के लिए, एएफओ के लिए, टीए के लिए, या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एमएससी लेवल का क्लास करना है, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसी पर क्लास चलेगी, बहुत जल्द उस पर क्लास आएगी, ठीक है, बहुत जल्द उस पर क्लास आएगी, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने शेयर कर दिया है, देखिए भाई जितने भी साथी हैं फटाफट इस लिंक को जरा एक बार सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, सभी लोग, प्रदीप जी हैं, प्रशांत ठाकुर हैं, जितने भी हमारे साथी हैं ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये होता है लीरियोमाइजा ट्राइफोली, ये होता है लीरियोमाइजा ट्राइफोली, ट्राइफोली, ये क्या है, सर्पेंटाइन लीफ माइनर है, ठीक है। तो इसका अगर मेजर पेस्ट की बात किया जाएगा तो तना छेदक है, फल छेदक है, फ्रूट बोरर है, समझ गए आप लोग, ओके। प्रशांत कुमार शुक्ला, देखिए बीएससी जो बच्चे या तो बीएससी कर रहे हो, ठीक है, या बीएससी पास आउट हो, उन्हीं के लिए है, इंटर वाले इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, मैं शेयर कर दिया हूं आप लोगों के लिए, इंटर वालों के लिए नहीं है ये। जी बिल्कुल प्रशांत ठाकुर जी, बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत जल्द क्लास चलेगी उस पर, बढ़ते हैं देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो इतना ही था आज की क्लास में, ठीक है, सारी मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता दी गई है, इसके टमाटर के जितने भी संबंधित बातें थी सारी बातें आप लोगों को बता दी गई हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए आप, संभवतः टमाटर का जो विल्ट होता है ना, विल्ट, विल्ट ऑफ टोमेटो लिख दे रहा हूं यहां पे। एक और बात, लगभग सारी बातें तो मैं कंप्लीट कर दिया हूं इस तरह से, टमाटर का, टमाटर का जो विल्ट होता है, फ्यूजेरियम
ऑक्सीस्पोरम या सीधे डायरेक्ट लिख लीजिए फ्यूजेरियम लाइकोपर्सिकी से होता है, ठीक है पूरा ही लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज लाइकोपर्सिकी, ठीक है। ये जो होता है ना विल्ट होता है टमाटर का, टमाटर का उकठा रोग होता है, ठीक है टमाटर का उकठा रोग होता है। सर जी पेट में कितने नंबर होने चाहिए, परमजीत सिंह ने पूछा है, परेशान नहीं होइए परमजीत जी, ठीक है पेट में अगर आपके 40 नंबर से प्लस हैं लगभग तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 क्या 35 30 वालों को भी मौका मिलेगा, घबराने की बात नहीं, बहुत ज्यादा लड़के नहीं थे, ठीक है अभी तो साइड डाइट डाउन चल रहा है। सोनम देवी पूछ रहे हैं सर क्लास कब होगी, उस पर थोड़ी और सब्सक्राइबर उस पर बढ़ जाए उसके बाद उसी पे क्लास लिया जाएगा, ठीक है ठीक है। एजीटीए के लिए अगर आपका समझ लीजिए 20-25 नंबर प्लस आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है संभवतः, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए सारी संपूर्ण जानकारी दे दी है आप लोगों को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है इस चैनल को। परमजीत सिंह ने लिखा है सर एससी में, एससी के लिए बाबू कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है बिल्कुल आप सभी लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होइए। परमजीत जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैंने सेशन लिंक को शेयर कर दिया है, एक बार मैं फिर से कर देता हूं, जितने भी साथी हमारे हैं नए ठीक है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट फटाफट से, उस पर क्लास बहुत जल्द शुरू होगा, और एक बार उस चैनल का जो लिंक है ना उसको सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने साथियों के साथ, ओके। परमजीत सिंह एग्रीकल्चर सर बेरी बताया था टमाटर का जो फ्रूट टाइप था बाबू टेक्निकल एग्रीकल्चर, मैंने बेरी बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है तो बिल्कुल आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है लिंक जो है मैं एक बार और अभी कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है लिंक को मैं अभी एक बार और कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जितने भी लोग नए हैं, ठीक है वर्मा शॉर्ट क्या भैया क्या लिख रहे हैं आप, तो ठीक है आप लोग उसको कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी पे क्लासेज होंगी आगे की, और मैं लिंक में एक बार और फिर से कमेंट में डाल दे रहा हूं, ठीक है। बीएससी के लिए भी चल रही है ना, उस पर चलेगी बिल्कुल सब चलेगी, बीएससी जो लड़के कर रहे हो कहीं से, ठीक है या फिर बीएससी पास आउट होने के लिए है वो। तनी सिंह जी ठीक है, शिवा सिंह अनुराग सिंह एक बार आप लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिए फटाफट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ओके। रविंद्र कुमार है, अनुराग है, भैया वर्मा जी कुछ पूछ रहे थे पूछे नहीं, चलिए ठीक है आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, सभी को हर हर महादेव, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, धन्यवाद।